कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी। रामलाल ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जनता की समस्या के राजनीतिक हस्तक्षेप से ही सुनी जा रही है और सरकारी अधिकारी भाजपा नेताओं के इशारों पर सरकारी पैसों की बंदर बांट कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सूखे की हालत बनी हुई है और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह की कार्यप्रणाली प्रदेश के हित में है, लेकिन उनके विभागों के अधिकारी सुस्त बने हुए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो मजबूरन उन्हें उन अधिकारियों का घेराव करना पड़ेगा। पूर्व वन मंत्री एवं नैना देवी चुनाव क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन ने सूखाग्रस्त राशि का विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सही ढंग से वितरण नहीं किया तो वे लोगों के हितों के मद्देनजर आंदोलन करने व सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं रहेंगे। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन एवं जल शक्ति विभाग ने अभी गर्मियों के दिनों में होने वाली पेयजल की किल्लत को दूर करने तक की योजना तैयार नहीं की है और ना ही गंभीर है, जबकि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की भाकड़ा व इसके साथ लगती ग्राम पंचायतों में तीसरे दिन लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, जिससे लोगों को अभी से ही पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वे बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अभी हाल ही में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तथा लोगों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए तथा उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी जाना। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के भाकड़ा, चंगर क्षेत्र, स्लाव, खरकड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में अभी से ही भारी पेयजल किल्लत आनी शुरू हो गई है तथा लोगों को तीसरे दिन पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। जिला प्रशासन एवं जल शक्ति विभाग ने अभी तक इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने सभी उपायुक्तों को सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, लेकिन ये देखा गया है कि इस राशि का सही ढंग से आवंटन नहीं होता है, बल्कि उपायुक्त अपनी हिसाब से इस राशि का प्रयोग करते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि राशि के हिसाब से नैना देवी चुनाव क्षेत्र को भी तय राशि मिलनी चाहिए तथा गर्मियों के दिनों में जल शक्ति विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियों को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन अभी गत वर्ष की रेन डैमेज की राशि को खर्च नहीं कर पाया है, ये राशि अभी उपायुक्त कार्यालय में पड़ी है। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1.5 वर्ष पहले वाटनू गांव को बस सुविधा प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलने गया था, जहां पर पहले से मौजूद भाजपा के पूर्व विधायक ने लोगों को उपायुक्त के समक्ष अपनी बात नहीं रखने दी। उन्होंने इस दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। अपने चुनाव क्षेत्र में एक तो कोरोना के लिए दोबारा से मुहिम चलाई है, उसमें जो है वो सैनिटाइजर बांट रहा हूँ और साथ में जो है ना पंचायतों को सैनिटाइज करने के लिए वो जो सैनिटाइज करने के मटेरियल है वो सप्लाई कर रहा हूँ। एक हफ्ते से मुझे जानने का मौका मिला चंगर एरिया से लेके और भाखड़ा विस्थापितों में के एरिया से लेके और ऊपर सदर हलके में, जहाँ पे भी सदर ब्लॉक में मैं गया हूँ, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। मैंने महेंद्र सिंह जी को भी बोला था कि ये नलके लगाने से हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं होगा। आज जो है वो 50% हैंडपम्प सूख गए हैं और जो स्रोत है पानी के वो सूखे हुए हैं। इस परिस्थिति में आज लोगों को पानी देना बहुत आवश्यक है। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि हिमाचल सरकार ने 50 करोड़ रुपए जो है वो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो है ये 50 करोड़ रुपए दिया है। पर मेरा सोचना ये है कि क्या जितने स्पीड से महेंद्र सिंह जी चले हैं, क्या उतनी स्पीड से अधिकारी भी चल रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो पिछला हमारा जो रेन डैमेज का पैसा है वो कोई 3.25 करोड़ रुपए अभी भी डिप्टी कमिश्नर के पास पड़ा हुआ है। वो जो है वो रेन डैमेज का पैसा जो है अभी तक नहीं बांटा गया। और साथ में ये भी है कि भाई जब 50 करोड़ रुपए आएगा तो ये 50 करोड़ रुपए जो है ये उसका प्रयोग कैसे होगा? क्या अगर मान लो वहाँ पे कोई
जो गाड़ियां लगानी है और पानी लाने के लिए, क्या उसके जो है वो टेंडर हो गए हैं? वो एक डेढ़ महीना पहले होने चाहिए लेकिन वो नहीं हुए हैं, फिर क्या होगा कि ले दे के जो है वो गड़बड़ होगी। अब ये पानी लोगों तक पहुंचाने की बात है, जितना महेंद्र सिंह जी जो है वो चिंतित है उतना अधिकारियों को भी चिंतित होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर देखा जाए, पीछे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का पैसा है एंड देट इज मोर देन 6 करोड़ रुपीज, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के में कितना कितना पैसा आता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझसे कहा गया था मैं अपने चुनाव क्षेत्र के जो भी ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का पैसा है उसको देने के लिए अपनी अपनी जो है वो प्रपोजल भेजूं, नॉट इवन ए सिंगल हैज बीन डन। एंड फ्रॉम द डीसी ऑफिस, जो मैंने चुनाव में जिसको हरा रखा है उसके 26 केस जो है वो उसके कहने से जो है वो सैंक्शन लेटर दे रखा है। मैं डेप्टी कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आर यू ओनली फॉर द पीपल जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का जुड़े हैं और जो जो चुनाव हारे हैं आप उनको वो कर रहे हैं, दफ्तर में आपके वो बैठे रहते हैं। कल एक बाड़मेर से एक डेपुटेशन आया था और उसको भगत सिंह वर्मा जो है वो लीड कर रहे थे। जब वो अंदर गए तो वहां पे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का वो था। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि यहाँ से गाड़ी चलेगी बाड़नू से, सड़क जो है वो बनेगी, ना सड़क बनी है ना गाड़ी चली। तो उसमें प्रवक्ता साहब कहने लगे कि ये नहीं चलेगी, ये सड़क भी नहीं बनेगी। आप क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इज द डेप्टी कमिश्नर ऑफ बिलासपुर हु वाज रिप्लाइंग टू द डेपुटेशनिस्ट, या मुझे बताओ कि क्या वो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि जो मुख्यमंत्री ने पब्लिकली जो कहा कि ये काम होंगे, तो क्या वो अनाउंसमेंट जो है वो ऐसे नेताओं ने गलत अनाउंसमेंट करवा दी है? बाड़नू में ना सड़क है ना बाड़नू में जो है वो गाड़ी कहाँ से चलेगी जब वहां पे सड़क ही नहीं है, सड़क बनने नहीं देते। और जब वहां पे पूर्व विधायक खुद कह रहा है कि ये सड़क भी नहीं बनेगी और गाड़ी भी नहीं चलेगी, तो इससे हम क्या मतलब लगा लें? इस प्रकार से अगर होगा और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में दो दो घंटे तक लाल बत्ती जली है और वहां पे उनके चहेते लोग बैठे हैं, ये मैं कहूंगा ये दिस इज अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पीपल। और अगर मान लो इस प्रकार की बात हुई, अब सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अगर मान लो ये पिक एंड चूज हुआ तो कांग्रेस पार्टी उसको सख्ती से निपटेगी। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कार्यालयों के घेराव और हिमाचल प्रदेश के, मैं कहूंगा कि सरकार के खिलाफ जो है वो हम अपना गुस्सा जो है वो निकालने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सूखे की स्थिति में जब लोग मुश्किल में हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और क्योंकि मैं विधायक हूं वहां का, अगर मान लो वहां पे कोई दिक्कत होती है तो मेरा धर्म है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं और उसके लिए लड़ाई लड़ूं।